नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार। आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धोरवा स्थित प्रभात तारा मैदान, जहां की आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो उसी में से एक नियुक्ति पत्र प्रदान किए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। इस पल का कितना दिनों से इंतजार था? इस पल का बहुत दिनों से इंतजार था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक नौकरी पाने के लिए इंसान बहुत दिनों से मेहनत करता है, बहुत सालों से मेहनत करता है, और इतने सारे एग्जाम देने के बाद आज ही मौका मिला है कि हम लोग का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं होम ट्यूशन लेती थी। अच्छा, पहले भी टीचर मतलब एक तौर जी हाँ, टीचिंग लाइन में ही थे और इसी में आगे बढ़ना भी चाहते थे, और आज वो मौका मिला कि आज हम लोग इसी लाइन में आगे अपने लाइफ को देख रहे हैं। अच्छा, नौकरी तो बहुत प्रकार की होती है, आपकी थोड़ी नौकरी हट के, क्योंकि नौकरी ही नहीं, आपके पीछे एक जिम्मेदारी है जी, बच्चों की भविष्य, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, जैसे हम लोग के माँ बाप ने हम लोग को एक अच्छी शिक्षा देके हम लोग को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। बस हम लोग के जरिए हम लोग बच्चों को इस तरीके से काबिल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो लोग भी अपने आगे आने वाली जनरेशन को और आगे शिक्षा प्रदान कर सके और अच्छा एजुकेशन की ओर लेके जा सके। अच्छा, आप किस विभाग में टीचर हो? मेरा कॉमर्स। कहाँ के रहने वाले? बोकारो। क्या नाम है आपका? आशा नाय, आशा सुरेंद्र नाय। अच्छा, ये प्रक्रिया कितना लंबा हुआ या तो छोटा प्रक्रिया हुआ, कैसे आप इस प्रक्रिया को देखते हैं? प्रक्रिया वैसे तो हो जाना चाहिए था जल्दी ही, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसके वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी देर से ही, लेकिन हुआ सब अच्छे से ही। क्या आपको सिचुएशन इसमें लग रहा है? कहीं झारखंड सरकार की राजनीतिक तौर इसमें तो नहीं है, क्योंकि इतने दिन से आप क्वालिफाई कर दिए थे, सब कुछ हो गया, फिर भी आप लोग को होल्ड किया हुआ था। अब ये नौकरी के लिए आप लोग को धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, तब कहीं जाकर आज ये नियुक्ति मिली है आपको जी। इसके बारे में क्या करना? वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा कुछ कुछ कारणों के वजह से डिले हो ही जाता है, भले वो पॉलिटिकल रीजन हो चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन आज का जो दिन है वो बाकी जितने भी हम लोग की परेशानियां पीछे थी उन सबको खत्म करके भूल चुके हैं, और आज का जो नया चीज हम लोग ने नया स्टार्ट किया है, बस उन्हीं की तरफ आगे अग्रसर रहना चाहते हैं। देखिए, एक तो ठीक बात है कि अनमैरिड लड़का हो या लड़की हो उसके लिए उतना टफ नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी शादीशुदा है, बच्चे भी है जी, उसके बाद भी आप इस प्रोसेस को क्वालिफाई किए, उस कैसे देखते हैं आप? वैसे तो जब हम लोग बैचलर होते हैं तो हम लोग को माँ बाप सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम लोग मैरिज होता है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो हमारे इन लॉज है, जो हमारे हस्बैंड है, वो हम लोग को हमारे सपनों को समझे और हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दे। और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मेरे माँ बाप ने जितना एजुकेशन मुझे दिया उसके आगे और आगे फर्दर एजुकेशन के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने, श्री तारकेश्वर नाथ गोराई ने, और आगे एनकरेज किया कि आप कर सकती हैं, आप कुछ करके दिखा सकती हैं, और मुझे इस तरह का मौका दिया झारखंड सरकार ने, और मैं इसमें सफल भी हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो कहने के मतलब ये है कि लड़कियां जिनकी शादी हो जाए वो ये ना समझे कि हमारी शादी हो गई अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, अगर उनका ससुराल वाले सपोर्ट करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे जी? मैं सारी शादीशुदा महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, और कभी ऐसा कुछ हो भी, गिव अप करने का मतलब ख्याल भी ऐसा आता है, तो फैमिली वालों को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनका हमेशा साथ देना चाहिए। तो अपने ससुराल का आपको पूरा सपोर्ट मिला? जी पूरा 100%। ये आपकी वाइफ की आज नौकरी लग गई है टीचर में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस हम बहुत दिनों से सोच रहे थे इसको कुछ अच्छे पद पे पहुंचाए, इसके पीछे बीएडी सब इनको करवाए, और इनको बोलते रहे बिल्कुल आपका होगा, आप प्रयास मत छोड़िए, और ये प्रयास करती रही और आज सफलता मिली, यानी पूरा तरह से सपोर्ट। बिल्कुल। तो उस गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जिनकी शादी हो जाती है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, बहू हो गई अब क्या पढ़ेगी क्या लिखेगी, घर के चूल्हा चौकट करते हैं, ऐसा तो बात नहीं है कि आप इनका घर का चूल्हा चौकट छोड़ा के सिर्फ पढ़ाई की है, या सभी को देखते हुए आज ये यहाँ तक पहुँची है? हाँ, ये सभी को देखते हुए यहाँ तक पहुँची है, और हम सभी को ऐसा बोलना चाहते हैं, सभी जो भी शादीशुदा लड़की हो उन लोग के पेरेंट्स को कि वो उनका सपोर्ट करे, अगर वो पढ़ना चाह रही है तो उसका सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ाए। चलिए, थैंक यू सर। और मैं सिर्फ इन लॉज के लिए ही नहीं, खाली मैरिड लोग के लिए, अनमैरिड जो है उनके लिए भी, और माँ बाप, हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अब जमाना बहुत ही आगे बढ़ चुका है, और हम लोग बॉयज और गर्ल्स ये सब जो पहले था वो अब बहुत हद तक खत्म ही हो चुका, अब है ही नहीं, इसीलिए उनको भले वो लड़का हो चाहे लड़की, इक्वल अपॉर्चुनिटी देके एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहिए, और उनको मौका मिलते रहना चाहिए सरकार की तरफ से कि वो अपने आप को साबित कर सके। चलिए, अभी जो लड़कियां यंग है, युवा या लड़की, आप उनके बारे में क्या राय देंगे?
उनके लिए मेरी बस यही राय है कि अपनी मेहनत पे कभी भी शक मत होने दीजिए और मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। झारखंड सरकार को आप क्या कहेंगे इसके लिए? उनको मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन लोगों ने आज हम 1500 शिक्षकों को मौका दिया है आगे और एजुकेशन को और आगे बढ़ाने का। थैंक यू। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।